तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, सबसे बड़ी खबर में बात करें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी जीत होती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी सभी गरीब परिवारों को, या तो कहे पूरे बिहार वासियों को 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। दरअसल अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने लोकसभा में इस बातों को कहा था, लेकिन अब जो है 2025 विधानसभा चुनाव में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, उसी दरमियान उनको शिकायत मिली, खास करके स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर को लेकर तेजस्वी यादव से कई कार्यकर्ता शिकायत किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा और अधिक बिल से कंज्यूमर जो है वो परेशान होते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव से कंप्लेन किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ ऐलान किया कि हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे सभी बिहार वासियों को। फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा, अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो है काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं के समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे।